हेलो फ्रेंड्स, चल के गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और ये देखिए कैरियर का एसी का डब्बा है ये। तो ये कार्डबोर्ड है जो हम वेस्ट फेंक देते हैं, तो इसी से आज मैं ग्रो बैग्स बनाऊंगी। वैसे मैंने पहले भी काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, अगर आप मेरे पैनल चैनल देखते होंगे तो ये देखिए इसके थर्माकोल शीट्स भी आई है अंदर, और दो बॉक्स जैसे भी आए हैं इसके थर्माकोल के ही, तो उनको भी यूज करेंगे इसी वीडियो में। तो सारी वीडियो में आप देखते रहिए, पहले इसको मैं निकाल देती हूँ और निकाल के इसको कैसे यूज करना है वो भी दिखाऊंगी। तो ये थोड़ा लंबा है और बड़ा भी है कार्डबोर्ड, लेकिन मैं पूरे को यूज कर लूंगी, पत्तियों से भर दूंगी नीचे। तो ये देखिए इसको मैं उल्टा रख के नहीं और इसका स्टैंड बना दूंगी। ये देखिए तो ये स्टैंड बन जाएगा ऐसे। तो इसको अभी मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, लेकिन मैं इसको बाद में जब मैं लगाऊंगी पौधे ऊपर तब मैं इसे दिखाऊंगी आपको कि कैसे रखना है। वैसे तो रख दिया है। तो ये देखिए, तो अब इसके लिए हम कार्डबोर्ड है तो ये गल जाएगा, तो इसके लिए बोरी या कट्टा जो भी है पॉलीथीन आपके पास है तो उसका जुगाड़ करिए, नहीं है तो जुगाड़ करिए, नहीं तो ये मेरे पास तो कट्टे हैं तो मैं इनसे ही इनकी सिलाई वगैरह करूँगी। मैंने पहले भी कई तरीक़ा से सिले हैं और इसमें भी मैं दो तीन बनाऊँगी, तो इसमें भी मैं अलग अलग तरीक़ा से बताऊँगी। पिंच भी लगाऊंगी, कुछ कुछ मैं मशीन से भी सिलूंगी। तो देखिए पूरी ही, तो पहले मैं इनको कट्टों को जोड़ लेती हूँ उधेड़ के, यानी कि जो सिले हुए आते हैं एक तरफ से और एक तरफ से खुले आते हैं, तो मैंने दोनों साइड से खोल लिए हैं, ये धागे मैंने निकाल दिए हैं। और फिर मैंने कट करके नहीं दो बोरी जोड़ भी लिए हैं, तो इसको भी तीसरी को भी जोड़ दूंगी। और तीनों को फिर मैं इसमें लगा के देखूंगी कि सेट आ रहा है या नहीं जो मेरा कार्डबोर्ड है इसमें, तो अच्छे से सेट करूंगी। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा कपड़ा नहीं बोरी जो भी है इसको मैं कट कर दूंगी। अगर आपके पास पहले से इसके बराबर कोई बोरी है या फिर पॉलीथीन है तो उसको ऐसे भी लगा सकते हैं, तो मेरे पास नहीं थी क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बना लिए थे और मैं जितना भी मतलब बीज लगाऊं पौध लगाऊं मेरे पास कम ही पड़ जाते हैं ये कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड मतलब ग्रोवैक्स। तो इनके लिए मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढनी पड़ती है। तो ये देखिए ये मैंने कट कर लिया और इसको मैं फिर मशीन से सिलाई कर दूंगी। मैंने पहले भी दो सिलाई कर लिए थे और करके नहीं फिर इनको मैं नाप के देखूंगी कि सेट हो रहा है या नहीं। तो ये फिर से बड़ा बन गया था तो इसको फिर मैंने बीच से कट किया, नाप कर जितना भी बैठा था उतना मैंने कट कर दिया इसको। और कट करके फिर से दोबारा से मैंने इसको बिल्कुल गोल गोल सिलाई लगा दी, ऊपर नीचे खुला हो गया और बीच से पूरा जॉइंट कर दिया इसको मैंने। तो ये देखिए तीन कट्टे जोड़ लिए और तीन में से आधा निकाल दिया था, तो थोड़ा ढाई कट्टा इसमें लग गया था जोड़ने में। तो ये देखिए ऐसे ही, तो ये मैं नाप के देख रही हूँ, तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बना था ये इतना, तो इसको मैं कट कर दी हूँ। और कट करने के बाद फिर से मैं इसमें सिलाई लगा दी, ये देखिए। तो ये सिलाई लगाने के बाद फिर इसके ऊपर मैं डालूंगी इसको। ये देखिए रख के नहीं, और मैंने अपने बेटा को बुलाया है और दोनों हम माँ बेटे इसको फिर अंदर डाल रहे हैं। तो ये देखिए आराम से चला जाता है, थोड़ा सा अगर टाइट हो जाता तो नहीं जाता, लेकिन एकदम फिट बैठा ये, मैंने नाप के इसकी कटिंग की थी। तो ये देखिए तो इस सरकाने से अच्छे से फिट हो गया ये। और ये इसमें मैंने अंदर की साइड में दोबरा दिया ऊपर से ही। तो अब इसको और जो नीचे की साइड में ये बंद वाली साइड है तो इधर मुझे थोड़ा थोड़ा सा खिसकाना पड़ा, खिसका के और मैं नीचे की साइड में इसको मोड़ दूंगी और इस जगह पे मैं पिंच लगा दूंगी। आप चाहें तो इस पर एक कट्टा सिलाई और कर सकते हैं चारों जोन करके, लेकिन मैंने नहीं की है, मैंने पिंच ही लगा दी, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पानी और मैं बीच में ड्रेंज होल नहीं करूंगी इसमें, साइड में करूंगी ताकि जो भी पानी होगा इसमें नीचे से निकल जाएगा। और नीचे जब हमने ये कट्टा थोड़ा थोड़ा इसीलिए अंदर रखा है ताकि इसके अंदर पानी ना जाएगा, बाहर से ही निकल जाएगा। ये देखिए और जो अंदर हम रखेंगे, मैं वैसे अंदर भी लगाने वाली थी इसमें बोरी, लेकिन मेरे लड़के ने मना कर दिया कि मम्मी कहीं नहीं जाएगा जब मिट्टी आएगी और ये चारों तरफ से कट्टा बोरी का तो वो है ही है, इसका सपोर्ट मिलेगा, तो मैंने इसमें अंदर नहीं लगाई है। बाकी के सब में मैंने अंदर बोरी भी लगाई है, पन्नी भी लगाई है, किसी किसी में तो मैंने डबल कर दी है मजबूती के चक्कर में। तो ये देखिए तो बीच में मैंने इसमें पिंच लगा दी। अब मैं ये तार जो है मेरे पास इस तार से ही टक कर दूंगी क्योंकि रखते समय इधर उधर हो जाता है ये, तो इसे हमें टक कर दूंगी तो ये बिल्कुल नहीं भागेगा इधर उधर। और ये सुई जैसा सुआ जैसा मोटा वाला है ये, तो इसे छेद करके ना बस तार को बांधने में बड़ी आसानी होती है, गांठ वांठ कुछ नहीं बांधना, बस मोड़ देना है और नीचे दबा पड़ा रहेगा, तो इसमें कोई जरूर वो भी नहीं है कि ज्यादा इसमें गांठ लगाओ या नहीं। तो मैंने इसको आराम से रुक जाएगा, ये तीन चार जगह बांध दिया है नीचे और एक खड़ा बांध दिया है लंबाई में बांध दिया है। तो ऐसे करके मैंने ये नीचे से भी इसकी बांध दिया है अच्छे से। और फिर अंदर की साइड में तब मैं इसमें पत्ती वगैरह डालूंगी, उससे पहले मैंने एक बोरी डाल ली है तरे में, बिल्कुल नीचे एक बोरी डाल ली है और ऊपर जितना भी मेरा जो बचा हुआ कट्टा बोरी रहेगा तो ऊपर मैंने इसी तार से टक कर दिया है कि वो ऊपर की साइड में ना निकले अंदर ही रहे, तो उसको भी मैंने टक कर दिया था। तो ये देखिए ये मेरा बंध गया इधर से
और जैसे कट्टा अगर इधर उधर चला भी जाएगा तो इसे बांधने से नहीं जाएगा ये। तो ये मेरा ग्रो बैग एक तैयार हो गया। और ये एसी में एसी मतलब ये एसी आई थी अभी मेरे पास नहीं, तो मतलब हमने ही मंगाई थी। तो इसके 3 डब्बा आए हैं, 4 डब्बा आए हैं, 2 थर्माकोल के डब्बा आए हैं बॉक्स, और 2 ये कार्डबोर्ड के आए हैं। तो मैं चारों को यूज करूंगी इसी वीडियो में, और उसका भी बनाया है मैंने, दूसरे वाले का भी और इसका भी। तो ये देखिए, तो जो ये एक्स्ट्रा बोरी है इसको मैं टक कर दूंगी उसी से, तार से ही बांध दूंगी। और इसमें मैंने अंदर नहीं लगाया है, देखा, तो देखते हैं ये कैसे चलेगा। इसमें मैंने अंदर बाकी के तो सब में अंदर लगाया, इसमें पहली बार नहीं छोड़ दिया मैंने इसको। तो ये देखिए, और नीचे इसमें मैंने बोरी बिछा ली है, पहले भी बताया है। तो ये मैंने फिट कर दिया इसी जगह पे, थोड़ा सा उसको ये हरा। देखिए दोस्तों, ये मेरा कार्टून तैयार हो गया। और ये वो है जो मैंने खाद लिक्विड खाद डाला था, तो इसको भी मैं अब इसमें डाल दूंगी और फिर इसके ऊपर से डालूंगी मिट्टी। ये हो गई खाली, तो इसको धोकर रख देंगे दोबारा के लिए। ये देखिए बिल्कुल गल गई है। ये फ्रूट है, ये केला आम देखिए गुठली भी पड़ी है इसमें। तो ये फ्रूट का लिक्विड दिया था मैंने, ये उसी का है। ये देखिए कितने खाद बन गया, एकदम गल गया है ना। और ये देखिए मैंने डंठल भी साबुती डाल दिया, छिलके भी साबुती डाले मैंने, कोई पटपट नहीं किए, धीरे धीरे अपने आप गलते गए। इसको ऐसे ही हो जाएंगे, और इसमें मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डाल के फिर हम बीज लगाएंगे या फिर पौध लगाएंगे। मेरी बीज पौध भी तैयार हो गई है मिर्ची की और टमाटर की, और बैंगन की थोड़ी छोटी है अभी, दिखा देती हूँ। पहले मैं ये दिखा देती हूँ कि मैंने ये कितने बनाए हैं। तो ये देखिए एक ये है, और ये देखिए एक ये है। तो मिट्टी मिट्टी रह गई है भरने, क्योंकि मेरे पास मिट्टी नहीं थी, खत्म हो गई है। और ये जो मैं बोल रही थी स्टैंड बन जाएगा, तो ये देखिए ये इसका स्टैंड बन गया। तो इसी तरह दिया ये अच्छे से अंदर बाहर दोनों साइड में, इसमें मैंने कट्टा लगाया है सिलाई मशीन से सिलाई करके। तो अब ये बच गया है, ये कट्टा कुछ घर के लिए छोड़ा मैंने, सजाने के लिए कुछ बना दूंगी मजबूत है। देखिए ऐसे 2 बॉक्स आए हैं, इनको भी यूज करूंगी, तो यही मैं दिखा रही थी। तो जितने भी एसी का या फिर हम कुछ भी सामान लाते हैं, तो थर्माकोल बॉक्स आते हैं या कार्टून आते हैं, तो इनको हम यूज सबको कर लेंगे। ये देखिए ये दोनों हैं। तो अभी जब मैं लगाऊंगी पौधे तो दिखाऊंगी इनको भी। तो ये 4 हो गए। अब आपको दिखाती हूँ मैं बैंगन की पौधे, ये तो मेरा पुराना पेड़ है, इसमें फूल बहुत सारे आ रहे हैं। ये देखिए खूब सारे आ रहे हैं फूल। और देखिए इसी में मैंने पौधे बनाने के लिए छोटे छोटे बीज डाले थे, तो ये बीज हो रहे मेरे। ये देखिए, तो ये अभी बैंगन की पौध तैयार हो रही है। ये देखिए दोस्तों मेरी, ये टमाटर की पौध तैयार हो गई है। और ये पहाड़ी पालक, बंगाली पालक लाल वाला, ये भी हो गया इसमें। तो ये तो खुद से हो गया है, इसमें पहले बेल थी इसमें इसकी, इस वजह से ये पालक हो गया है। लेकिन टमाटर तो मैंने डाले थे, ये देखिए जो खराब टमाटर हो जाते हैं सड़े, उनसे बने हैं, खूब सारी पौध बनी हुई। तो इनको देखते हैं, धूप निकल रही है, थोड़ी सोच रही हूँ मैं, देखिए धूप कितनी तेज है, सोच रही हूँ कि धूप कम हो जाए तब निकालूंगी। देखिए मिर्ची की पौध दिखाती हूँ, मिर्ची, ये देखिए ये मिर्ची तैयार है। ये देखिए तो मेरी पौध तैयार है, अब मिट्टी डाल के आगे बढ़ेंगे वीडियो, चलते हैं। अब ये देखिए ऊपर आ गए हम, तो ये मेरी मिट्टी पूरी भर दी है, और मिट्टी खाद वाली है, पत्तियों वाली। तो ये देखिए ये बीज मैंने भिगोए हुए थे 2 दिन से, और कद्दू लौकी और एक है सेम का। तो ये बीज लगाऊंगी मैं, और कुछ लगाऊंगी पौध, तो दोनों ही लगाऊंगी। तो ये देखिए, तो जो नुकीला जो भाग होता है वो मैंने नीचे की साइड में रखा है, और ऊपर की साइड में थोड़ा चौड़ा जो होता है वो रखा है। तो एक ग्रो बैग में मैंने कई सारे बीज लगा दिए हैं। और ये टमाटर की छोटी छोटी पौध थी, तो ये मैंने बॉक्स में लगा दी है, 2-2 दोनों में लगा दी है। और ये थोड़ी बड़ी है, तो इनको मैंने ग्रो बैग्स में बड़े वाले में लगाया है, जिसमें मैंने सिर्फ नीचे कट्टा बिछाया है, साइड में नहीं लगाया है। तो ये देखिए, तो आज मेरी ये पौध भी लग गई और बीज भी लग गया, और एक काम से मतलब एक सामान से कई सामान बन गए, मेरी ग्रो बैग भी तैयार हो गई। नहीं तो मेरे पास हमेशा कम ही पड़ जाते हैं, और मैं हर साल बनाती रहती हूँ ग्रो बैग्स, फिर भी कम पड़ जाते हैं। और अभी तो और शायद बनाने पड़ जाएं, क्योंकि मेरी बैंगन की पौध तैयार हो रही है अभी, उसको भी लगाना है। तो ये देखिए, तो ये मिर्ची की पौध लगाई है मैंने एक में, और एक 2 में मैंने बीज लगा दिए। अब थोड़े से बीज बचे थे, तो उनको मैं नीचे लगाने चले गई। तो ये मैं नीचे भी लगा दिए कुछ बीज, 5-6 बीज नीचे भी लगा दिए। तो मेरी वीडियो आज की कैसी लगी आपको, ग्रो बैग्स कैसी लगी आपको, जो फेंक देते हैं हम थर्माकोल, बिल्कुल काम नहीं आते उनकी। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।